उठाओ अपना फोन, स्क्रीन पे आए QR कोड को करो स्कैन और खेलो अपने फोन पे ओबी एंड द कॉकरोचेस का नया गेम। सो गेट रेडी टू स्कैन, प्ले एंड रिपीट। अकेला, तुमने कहा था कि बहुत मजा आएगा। यहाँ तो मुझे पतंग उड़ाते उड़ाते नींद आ रही है। अरे यार थक्कू, मुझे तो लगा था आज काइट फेस्टिवल है, बहुत सारी काइट्स होंगी, हम काइट्स लड़ाएंगे। पर कोई काइट्स ही नहीं है, मैं बोर हो गया हूँ अब और नहीं उड़ाऊंगा। वैसे इस बोरियत को हटाने का एक आइडिया है मेरे पास। जो भी आइडिया है जल्दी बताना, मेरा मिनी लंच का टाइम हो गया। मिनी लंच? हाँ, नाश्ते और लंच के बीच का टाइम, मिनी लंच। भाई तुम्हारा पेट कभी भरता क्यों नहीं है? भूत होने के फायदे पकेला, जो मर्जी खाओ, जितना मर्जी खाओ और खा खा कर वजन बढ़ाओ। ओए, मैं आज भी फिट हूँ पकेला, I'm very fit। ओहो मेरे तरबूज टार्जन, अगर तुम सच में फिट हो ना तो मुझे पकड़ के दिखाओ। चलो पकड़ो, पकड़ के दिखाओ। अच्छा पतंगबाजी, तुम तो गए बगेले। कहाँ जाते हो? रुको, मेरे बबल से बच के दिखाओ। दिमाग लगाओ, मैजिक नहीं। चलो, तुमने किसी मासूम बच्चे के ड्रोन पर बबल अटैक किया? नहीं, मैंने तो तुम पर वार किया। पता नहीं ये ड्रोन क्यों गड़बड़ाया। चलो चलकर देखते हैं। ओह, मेरा नया ड्रोन खराब हो गया। ओहो, इससे अभी डुगु अंकल के पास रिप्लेस करवाने लेके जाता हूँ। डुगु अंकल, आपका ये ड्रोन तो 30 सेकंड उड़ने के बाद क्रैश हो गया। बिट्टू, हो सकता है कि इसके वेलोसिटी से डिस्टेंस थोड़ा कम हो और क्रिटिकल स्पीड से टाइम थोड़ा ज्यादा, तो कभी बैटरी का डिस्चार्ज एस्केलेटर भी तो हो सकता है ना। मतलब अंकल? मतलब कि बैटरी खत्म हुई होगी। पर पापा ने आज सुबह ही नई बैटरी लगाई है। आ, क्या हो ही नहीं सकता। देखो कैसे दो पत्थर लेके सर से उड़ रहा है। पैसे कमाओ फर से और ड्रोन उड़ाओ सर से, समझे? तो अब मैं क्या करूं अंकल, मेरा तो ड्रोन भी क्रैश हो गया, पॉकेट मनी भी खत्म हो गई। अरे बहुत ही सिंपल है बिट्टू, ये वाला ड्रोन फेंक दो और नया ड्रोन ले लो। पैसे निकालो फर से और ड्रोन उड़ाओ सर से। मेरा तो सर से नहीं उड़ रहा, ये गलत बात है। बेटा निकलो यहाँ से, नया कस्टमर आने का टाइम है। आप दोनों इस अंकल से ड्रोन मत लीजिए, ये अंकल चीटर है। आए, ये किससे बातें कर रहा है? पकेरा, ये लड़का हमें देख सकता है। हाँ, और उसकी बात में दम तो है, पर ये डुग्गू क्यों उसे चीट करेगा? आज की कमाई तो बढ़िया हुई। इसको दिखाकर अपना बाकी का नकली सामान बेचता हूँ। ड्रोन चलाओ सर से और पैसे कमाओ पर से। ले बगेला, पता चल गया, बिट्टू का ड्रोन हमसे नहीं, इस चीटर दुकान वाले की वजह से क्रैश हुआ है। इसने सामान ही नकली बेचा है। इसके ड्रोन को हम सर सरा के उड़ाएंगे, पर उससे पहले हम भूत बॉस को बुलाएंगे। वाह, क्या लाइन कह दी बगेला। पापी और पाप दोनों सामने हैं। डम डम डम, चलो करें पाप खत्म। अरे वाह वाह वाह, ये तो बढ़िया तरीका है कमाने का।
बच्चे को बेवकूफ बनाने में तो चैंपियन हो गया हूँ मैं। पैसे कमाऊ फर से और ड्रोन उड़ाऊ सर से। प्रॉफिट के पापी, हमारा हिसाब है बाकी। अगले दो दिन में पैसे कमाकर यहाँ से भाग जाऊंगा और नई जगह पर नए बच्चों को बेवकूफ बनाऊंगा। कितना होशियार हो गया हूँ मैं। अरे मेरे पैसे दे दो। अरे कौन है, कौन चला रहा है ड्रोन बताओ। अरे मेरे खराब वाले ड्रोन सारे के सारे टूट गए। अरे ये देखो, मजाक मत करो, ये गलत बात है। ड्रोन के डब्बे ऐसे फेंकोगे तो खराब हो जाएंगे ना। अरे समझने की कोशिश करो। जुगू दगाबाज, तुमने बच्चों के पैसे लूटे हैं और उन्हें नकली सामान बेचा है। ये पैसे उन बच्चों के हैं। हम भूत हैं, मैं पकेला और ये ड्रोन थकेला। भूत? तुम बिल्ली हो, ये तो ड्रोन है। अगर तुम भूत हो तो मैं भी गधा हूँ, ठीक है? ठीक है गधे। अरे ये क्या किया तुमने? गधा का हम मान गए, नई पहचान मुबारक। और गधा क्या खाएगा अब? हरी पत्ती, मेरा मतलब है हरी घास। नहीं ऐसा मत करो। मैं घास का मतलब मैं अपने कमाए हुए पैसे क्यों खा रहा हूँ? मेरे पैसे मैं क्यों खा गया? अब कौन आया है? आप कौन हो भाई? प्लीज मुझे बचा लो। ओहो, आपको गधा किसने बना दिया है? ओ, ओ, मैं तो अपने रूप में वापस आ गया। थैंक यू जी। क्या आप कोई बड़े जादूगर हैं? बस वैसा ही कुछ, समझ लीजिए। आपने तो मेरी बहुत ही मदद कर दी। वैसे आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने सुना है आप अपने ड्रोन बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, है? हाँ हाँ, बड़ा तो करना है। आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम एक बड़ा ड्रोन लेकर आए हैं। ये ड्रोन मोबाइल से लेकर हवाई जहाज सब कुछ उठा सकता है और दुनिया में कहीं भी डिलीवर कर सकता है। आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं क्या आपका उल्लू दिखता हूँ? जो आप समझो। मैं तो उल्लू बन गया। जो दूसरों को बनाते हैं उनकी खुद की बारी भी आती है उल्लू और गधा बनने की। रुको, कहाँ जा रहे हो? लगता है ये गाड़ी तुम्हें बहुत प्यारी है, इसीलिए अंदर पार्क की है। रुको, गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं, प्लीज मेरी कार को छोड़ दो। सच में छोड़ दूँ? हाँ प्लीज। ओके। अरे मेरी महंगी वाली गाड़ी, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? अरे ये दोनों फिर आ गए। अरे कोई तो पकड़ो ही नहीं। भूत बस अकेले थोड़ी ना पीछे पड़े हैं, मैं यानी कि थकेला भी तुम्हारे पीछे हूँ और ये पकेला भी। मासूम बच्चों के पैसों के पीछे तुम पड़े हो, नकली ड्रोन बेचने के तो पीछे तुम पड़े हो। और तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम क्यों पीछे पड़े? अरे मैं क्या करूं भूत बॉस, मुझे
पैसे कमा रहे हैं इसीलिए। मैं एक असली ड्रोन का डेमो दिखाता था बच्चों को और 500 बॉक्स नकली ड्रोन बेचता था। बच्चों को नकली ड्रोन बेचते थे असली बताकर, ताकि तुम उनसे ज्यादा पैसा ऐंठ सको। अब तुम्हारे ड्रोन सारे गोडाउन में गिर कर टूट गए। इस चीटिंग के पैसों से ली गई कार भी तो टूट गई। क्या मिला तुम्हें आखिर? मैं समझ गया आप लोगों की बात। मैं कल से दुकान से सारा नकली माल निकाल लूंगा और दुकान पर सिर्फ असली माल ही बेचूंगा। शाबाश डुकू, लो तुम्हारी गाड़ी सही सलामत है। थैंक यू भूत बॉस। और हाँ, मैं कल से बिट्टू और बाकी सभी बच्चों को बुलाकर उनका नकली ड्रोन वापस ले लूंगा और असली ड्रोन से एक्सचेंज कर दूंगा। फिर सारे बच्चे असली ड्रोन ही उड़ाएंगे सर से। ये लो बच्चों, ये लो, तुम भी ले लो, तुम भी ये लो बेटा, ये लो। बस आराम करना ही है तो मैं एक अच्छी जगह बताता हूँ ना। और आराम के साथ साथ खाना? अरे वो भी मिल जाएगा भूत बॉस। पर ये जगह कहाँ है? प्रेत पहाड़ की चोटी पर एक पुराना डक बंगला है। बंगले के कुक पनीर सेलवा का अलग ही एक जलवा बनाता है मस्त पनीर पकौड़ा और लौकी का हलवा। लौकी का हलवा, वाह 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 वाह, चलो अभी दम, 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 चले हलवा खाने।